अस्सलामुअलैकुम। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं हरियाली चिकन टिक्का की रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। इसके लिए मैंने हाफ किलो बोनलेस पीस लेकर उसे क्यूब कट कर दिया है और इसी के साथ मैंने 1 हैंडफुल पुदीना है, 1 हैंडफुल धनिया है और ग्रीन चिलीज ली हुई है। इसमें से मैं 1 हैंडफुल लूंगी, ये पूरा नहीं, और कुछ कैश्यूज है और साथ ही मैं 4 टीस्पून में दही लेकर इसकी अच्छी सी पेस्ट बना देती हूँ। मेरी पेस्ट रेडी हो चुकी है, आप देख लें। इसके मसाले भी लिए हुए हैं। ये वाली स्पून से मैंने ये पूरा स्पून भरकर मैंने ब्लैक पेपर पाउडर लिया हुआ है, 1 टीस्पून मैंने सॉल्ट लिया हुआ है, 1 टीस्पून धनिया पाउडर लिया हुआ है, 1/4 टीस्पून से थोड़ा ज्यादा भुना जीरा लिया हुआ है और 1/4 टीस्पून हल्दी ली हुई है। ये सारे मैं इसी में डाल देती हूँ और इसे अच्छे से मिक्स कर देती हूँ। मेरा मिक्स हो चुका है। 1 1/2 टीस्पून में जिंजर गार्लिक पेस्ट ले रही हूँ, ये 1 1/2 टीस्पून है जो पेस्ट मैंने बनाई थी, इसी में मैं डाल देती हूँ। हाफ कप क्रीम है वो ऐड कर रही हूँ। बस ये रेडी हो चुका है, इसे मैं 1 घंटे के बाद बनाऊंगी। अगर आपके पास टाइम है तो 3 आवर या ओवरनाइट रख सकते हैं। अगर हो चुका है अब मैं इसे लगाना स्टार्ट करती हूँ स्किनर में। अब मैं इसे 1 आवर के लिए रेफ्रिजरेटर में छोड़ रही हूँ। लगाने के साथ मैं मेरा तवा भी रेडी रखती हूँ, उसे गर्म करने के लिए मैंने छोड़ दिया है। मुंह को फ्राई पैन में कर रही हूँ। इसी के साथ मैंने टोस्टिका भी इसे किया हुआ है, आप देख लें। इसे फिंगर फूड आप ट्राई कर सकते हैं अगर पार्टी या कुछ भी है तो। मेरा चिकन हरियाली कबाब रेडी है, अब मैं इसे प्लेटिंग कर रही हूँ। रेडी है चिकन हरियाली कबाब, आप भी इसे जरूर ट्राई करें। पार्टी डिश है, फिंगर फूड है, आप किसी भी तरीके से आप यूज कर सकते हैं। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू, शुक्रिया।